तो आपने एक बार यहाँ से बटन दबाया, The Bluetooth device is ready to pair. So for example, कोई आपके एक्टिवा को आके टच करता है, Don't touch the car. Don't touch the car. Don't touch the car. सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द DIY जुगाड़, और मेरा नाम है वैभव। सो मैं एक लास्ट वीडियो बना चुका हूँ प्रॉपर डेडिकेटेड म्यूजिक सिस्टम के ऊपर, कि एक्टिवा में या किसी भी स्कूटर में म्यूजिक सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाए डिक्की में। तो वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में जाकर क्लिक करके देख सकते हो। और आज की वीडियो होने वाली है एक उसी के सस्ते कॉम्पैक्ट ऑल्टरनेटिव पे, और जो बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज और इजी टू इंस्टॉल है। कोई उसमें वायरिंग की ज्यादा सिरदर्दी नहीं, कोई आपको फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं। सो लास्ट वीडियो पे कंप्लेन आपने ये की थी कि अगर म्यूजिक सिस्टम को हम डिक्की के अंदर ही लगा देंगे तो बाहर आवाज कैसे आएगी चलते चलते। बट उस टाइम जो इंस्टॉल किया था, उस टाइम इंस्टॉलेशन का पर्पस कुछ और था, और अब आपकी डिमांड पे एक दूसरा है। सो ये है मेरे पास प्रोडक्ट, पहले आपको प्रोडक्ट दिखा दूं। और ये वैसे आप देख चुके होंगे, बट ये प्रोडक्ट है, दो हमारे स्पीकर्स और एक हमारा रिमोट। सो बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट पहले आपको चाइना से मंगाना पड़ता था, बट ये जो प्रोडक्ट है अब मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होने लग गया। सो आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं, और इसकी प्राइस रेंज की बात कर ली जाए तो 800 से 1000 के बीच में आपको मिल जाएगा मार्केट में। हर जगह के डिफरेंट रेट्स होते हैं, इसलिए कुछ फिक्स नहीं है। और अगर आपको खरीदना है तो मैं कोशिश करूंगा, लिंक मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको वहां से परचेज कर सकते हैं। और रही बात ये हमारा म्यूजिक सिस्टम, मैं इसको टेस्ट कर चुका हूं, अनबॉक्सिंग वगैरह पहले डन है, सही काम करता है, बैटरी भी आपकी ज्यादा नहीं खाता। और द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इसमें ब्लूटूथ पहले से ही, आपको अलग से ब्लूटूथ वाली डोंगल लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी में पहले सिस्टम आता था, दो स्पीकर के साथ एक छोटा सा कंसोल कह लो या ऐप कह लो वो लगा होता था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब इनबिल्ट है। और एक ये छोटा सा रिमोट है ऊपर जो मैजिक सारा प्ले करता है। और साथ ही साथ इन स्पीकर्स में हमारा एंटी थेफ्ट अलार्म भी है, वो मैं आपको इंस्टॉल करके चला के दिखाऊंगा। वायरिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ दो वायर्स अटैच करनी है। और म्यूजिक सिस्टम का पर्पस आपको पता ही है, चलते चलते अगर आप लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो गाने सुनना है। सो कमेंट में ये मत लिखना कि ये यूजलेस है। और आज मैं इसको इंस्टॉल करूंगा अपनी होंडा एक्टिवा 5G के ऊपर, और साइड मिरर्स पे इसके साथ पत्तियां दी हुई हैं, मैं क्लैंप दी हुई हैं लगाने के लिए। और आप इसको किसी भी बाइक में या किसी भी स्कूटर में कर सकते हैं पे, और अगर आप स्प्लेंडर वगैरह किसी भी बाइक पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इसको लेग गार्ड पे होल्स करा के इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो फटाफट चलते हैं एक्टिवा की तरफ और करते हैं इसको इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स ये हमारी होंडा एक्टिवा 5G। सो सबसे पहले तो हमें साइड वाले मिरर्स खोलने हैं अपने, और उसके बाद हमें ये नोज खोलनी है, और हेडलाइट वाली हम खोलेंगे फेयरिंग। और जो हमारे मिरर्स हैं वो मैंने नीचे वाली योक के साथ ही निकाल लिए हैं। सो हेडलाइट वाली फेयरिंग खोलने के लिए हमें फोर स्क्रूज खोलने हैं, 1, 2, 2, 3 and 4 इसके नीचे। यहाँ पे फिफ्थ जो हमारा यहाँ पे गले से कनेक्टेड है नीचे इधर, सो उसको खोलेंगे। और नोज को खोलने के लिए एज यूजुअल यहाँ पे पीछे स्क्रूज है, 1, 2, 3 and 4 स्क्रूज खोलने होंगे। सो खोलते हैं इनको फटाफट। सो नोज हमने निकाल लिया, और अब हमें सिमिलरली हेडलाइट वाली फेयरिंग को बाहर निकाल देना है, और ये आ चुकी है हमारी फेयरिंग नीचे। सो आप चाहे तो कनेक्टर्स रिमूव कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। सो अब सबसे पहले हमें अपने स्पीकर्स को करना है माउंट। सो हमें स्पीकर वाली पैकिंग में से ये मिलता है, दो स्पीकर्स लेफ्ट और राइट, और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा पाउच है जिसमें पत्तियाँ दी हुई हैं कनेक्ट करने के लिए, और छोटे छोटे स्क्रूज हैं, और टोटल ये 8 स्क्रूज हैं। सो बहुत ज़्यादा सिंपल है, पत्ती की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है, डिसेंट है, आपका काम चल जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं तो आप वेल्डर से जाके और बढ़िया पत्तियाँ बनवा सकते हैं। सो होगा ये जो होल है इसमें से हमारा साइड मिरर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो 4 स्क्रूज लग जाएंगे, और हम इनको कर देंगे टाइट, और हमारा स्पीकर कुछ हमारे साइड मिरर के साथ ऐसा सा लग जाएगा। सो पहले यहाँ पे स्क्रूज को टाइट करता हूँ। सो गाइस प्लेसमेंट से पहले एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिस स्पीकर में हमारी मेन वायर जा रही हैं एंटीना की और पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी की, वो हमारा लेफ्ट वाला स्पीकर है, और जो दूसरा है वो राइट वाला स्पीकर है। बेसिकली आप इसको चेक करना चाहे तो एक ऐप आती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको बैटरी से कनेक्ट कीजिए, और जिसपे लेफ्ट स्पीकर चलेगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर लगेगा आपकी, और जिसपे राइट वो राइट हैंड साइड पर। सो अब पत्तियों को लगाते हैं इसके साथ। सो गाइस फाइनली मैंने दोनों स्पीकर से पत्ती लगा दी है यहाँ पे, और जो पत्ती है वो अच्छे से फिक्स हो गई है। सो अब स्पीकर्स को माउंट करते हैं। सो माउंट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे योक्स लगा लिए हैं दोनों साइड्स पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो होगा ये इसके ऊपर से हमारा साइड मिरर टाइट होगा, और बीच में होगा हमारा स्पीकर। सो अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है, जो स्पीकर का फेस है वो आउटपुट आप बाहर की तरफ रखना चाहते हैं या आप राइडर की तरफ रखना चाहते हैं। सो मैं उसको राइडर की तरफ रखूंगा, आप जैसे रखना चाहे रख सकते हैं। तो जो हमारा स्पीकर है वो कुछ ऐसा सा लगेगा, और ऊपर से हमारा साइड मिरर हो जाएगा टाइट। तो सबसे पहले तो हमें जो वायर्स हैं ये वाली, उनको होल से निकालना है, एक ये वाले होल से और दूसरा दूसरे वाले होल से। सो पहले वायर्स निकालते हैं, और यहाँ पे वायर्स का बता दूँ, दो वायर्स हैं हमारी रेड और ब्लैक, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो दो ब्लू हैं वो हमारी एंटीनास की वायर है, एक रिमोट के लिए और एक FM के लिए। और थर्ड हमारे पास कपलर है मेल फीमेल, सो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। सो ये ज्वाइन होके ये वायर हमारी चल जाएगी यहाँ पे पीछे, और जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर है उनको हमें बैटरी तक लेके आना है, और ऊपर से करने साइड मिरर टाइट। सो फटाफट करते हैं इसको टाइट।
और अगर आपकी जो पत्ती है वो थोड़ी सी नीचे को बेंड हो रही है तो कोई इशू नहीं है। सो अब ये बैठ चुके हैं और यहाँ पे 12 mm की चाबी है, इसको टाइट कर देता हूँ और आप साइड मिरर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये टाइट हो चुका है। सिमिलरली हमें दूसरी साइड पे टाइट करना है। सिमिलरली करते हैं दूसरी साइड पे इसको टाइट और फिर करते हैं इसकी वायरिंग। सो कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे मेरे पास है एक इनलाइन फ्यूज, इसके अंदर 10 amps का फ्यूज है। सो आप 10 amps का एक फ्यूज यूज कर सकते हैं और दो कनेक्टर हैं जिनसे हम वायर्स को बैटरी पे अटैच करेंगे। सो इनलाइन फ्यूज हमें लगाना है अपनी पॉजिटिव वाली वायर, बाकी जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है वो डैमेज ना हो। और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाता है। सो यहाँ से वायर को हमने काट दिया है और अब वायर को कर दूंगा स्ट्रिप। सो अब हमें फ्यूज़ की एक साइड पे कनेक्टर लगा लेना है और दूसरी साइड को कर देना है जो पीछे से वायर आ रही है उसके साथ कनेक्ट, और अच्छे से टेप जरूर कर देना है। और सिमिलरली हमें ब्लैक वाली वायर के ऊपर भी एक अपना कनेक्टर लगा लेना है। सो फटाफट कनेक्टर लगाता हूँ फिर कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस कनेक्टर्स हमारे कनेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा फ्यूज़ कनेक्टर और इधर ब्लैक वाली वायर काफ़ी पतली थी तो मोटी वायर से एक्सटेंड करके कनेक्टर लगा दिया है। सो अब इन दोनों को कर देना है पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। सो गाइस कनेक्टर्स हमारे लग चुके हैं और उधर भी। सो अब सारा कुछ पैक कर देते हैं, जितने भी स्क्रूज वगैरह हैं सब टाइट कर देते हैं और फिर बाहर आपको इसको चला के दिखाता हूँ और चेक करके दिखाता हूँ सारा। सो गाइस फाइनली जो हमारी इंस्टॉलेशन है वो डन हो चुकी है और व्यू कुछ ऐसा सा है और बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल भी वेयर नहीं लग रहा, अजीब नहीं लग रहा, बहुत अच्छी और नीट एंड क्लीन इंस्टॉलेशन लग रही है इसकी। सो अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें आप तीन तरह से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, फर्स्ट है ब्लूटूथ, सेकेंड है अपनी पेन ड्राइव और थर्ड है अपना माइक्रो एसडी कार्ड। और साथ ही साथ इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म वाला भी फीचर है, वो भी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। और पूरा जो कंट्रोल होता है वो रिमोट से होता है। और एक और बात मेंशन कर दूँ, जो इसका ब्लूटूथ है वो बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। लाइक मेरी कार का ब्लूटूथ ज़्यादा टाइम लेता है कनेक्ट होने में, बट ये बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाता है, बस आपको एक बार पेयर करने की ज़रूरत है। सो साइड पर रोकता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको इसको रिमोट से कैसे चलाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा रिमोट, इसमें आपको चार बटन मिल जाएंगे, लॉक और पॉज प्ले, और इससे ही मोड चेंज होता है, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप, और इससे आप ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक वाला बटन दबाते हैं, अलार्म ऑन। सो अलार्म ऑन हो चुके हैं और ये लाइट्स 3 सेकंड के लिए बंद हो जाएंगे। आप सपोज कर लीजिए आप अपने एक्टिवा को लॉक करके खड़ा कर दिए और आप कहीं दूर चले गए हैं और ये लाइट्स हो गई हमारी बंद। सो फॉर एग्जांपल कोई आपके एक्टिवा को आके टच करता है, सो लाइक वो आपके डोंट टच द कार। सो आपने सुना इसने 3 बार बोला डोंट टच द कार, कम पढ़ा लिखा है स्कूटर को कार बोल रहा है, चलो इग्नोर कर देते हैं। सो लाइट थोड़ी देर चलेंगी, 3 से 5 सेकंड बाद फिर बंद हो जाएंगी, बंद हो गई और दोबारा कोई इसको छेड़ता है डोंट टच द कार और इसको बुलाता ही रहेगा डोंट टच द कार। लेट्स स्पीक इन, तो ये इसका अलार्म वाला सिस्टम है और लाइट बहुत बढ़िया लगती है, अलार्म बहुत ही ज्यादा लाउड और इरिटेटिंग है, तो इसको लॉक कर देते हैं, अलार्म ऑफ। सो ये इसका अलार्म ऑफ हो चुका है। सो अब अगर कोई इसको हाथ लगाएगा तो ये प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, ये फीचर है इसका। सो अब सपोजिटली आपको अपना ब्लूटूथ वाला सिस्टम ऑन करना है, सो आपने एक बार यहाँ से एक बटन दबाया, सो ये बोल रहा था ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर, और सामने भैया जी पता नहीं कैसे देख रहे हैं। सो ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ, सो आपने देखा ब्लूटूथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो गया इसका। एक बार पेयर कर रहा होता है, बहुत सिंपल है पेयर करना, आई होप आपको आता ही होगा। सो आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, अब मैं आपको इस पे म्यूजिक प्ले करके सुनाता हूँ, वॉल्यूम फुल कर देते हैं और अगर आपको वॉल्यूम बढ़ानी है तो आपको इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। और आवाज़ बहुत ही अच्छी और लाउड है इसकी। नेक्स्ट ट्रैक करना है तो बटन को एक बार दबा दीजिए, और अगर आपको इसमें FM चलाना है तो FM के लिए आपको इसको दबा के रखना पड़ेगा FM tuner। सो आप FM को आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ से। अब अगर आपको ऑफ करना है अपना ब्लूटूथ FM तो लॉक कर दीजिए, पावर ऑफ, पावर ऑफ हो चुकी है। सो ये था बहुत सिंपल प्रोसीजर इसको चलाने का। सो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, जो हमारा स्पीकर है उसके ऊपर ही आप पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं अपना, यहाँ पे लग जाएगा हमारी पेन ड्राइव और दूसरी साइड पे यहाँ पे लग जाएगा हमारा मेमोरी कार्ड। और ये जो इसकी कवरिंग है तो आप इसको तोड़ना मत, नहीं तो इसके अंदर पानी चले जाएगा और काम थोड़ा ख़राब हो जाएगा आपके स्पीकर्स का। सो इसको फिक्स कर देते हैं वापस। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो होंडा एक्टिवा पे स्पीकर्स की इंस्टॉलेशन पे, और वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जो जो लॉन्ग राइड करते हैं तो ये चीज़ उनके जरूर काम आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी या सजेशन है, और अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए। और जाने से पहले एक और बात कह दूं, इन स्पीकर से बिल्कुल भी जो बेस है वो मत एक्सपेक्ट करना, जो ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी है, क्लियर है, डिसेंट है प्राइस के हिसाब से। सो ये चीज़ थी।
तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को एंड. सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप टू सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन राइट सेफ राइट हार्ट, मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में, बाय बाय. और हाँ, आपने देखा होगा वीडियो इंडोर शूट हो रहा था, बाहर बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी, और मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसीलिए मैं आज अंदर शूट कर रहा था एसी चला के सामने ड्राइंग रूम में. सो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाय बाय.